Hi everyone, this is Ashish and you are watching E-Classes by Sid Chitelal Academy, RAT. Hi everyone, now today we are going to read how to subtract the algebraic expression from another algebraic expression. आज हम सीखेंगे कि कैसे subtract किया जाता है किसी algebraic expression को किसी दूसरे algebraic expression से. तो इसके लिए यहाँ पर कुछ rule लिखे हुए हैं, मैं आपको पहले rule दिखाता हूँ. First number, to subtract similar terms, change the sign of the subtrahend mentally and proceed as in addition. इसमें बताया गया कि जो similar terms होते हैं उसमें हम जो सबट्रेहेंड होता है, सबट्रेहेंड क्या होता है, जो हमारा लोअर टर्म होता है कॉलम मेथड में, जो नीचे लिखा होता है टर्म, वो हमारा सबट्रेहेंड होता है. जो अपर टर्म होता है उसको हम मिन्यूएंड बोलते हैं. तो सबट्रेहेंड को मेंटली हम उसका साइन चेंज कर लेते हैं. जैसे इसमें देखिए, ये जो हमारा सबट्रेहेंड था वो नेगेटिव था, उसका साइन कर लिया गया पॉजिटिव. एंड प्रोसीड एज इन एडिशन, और ऐसे ही आगे हम सॉल्व करते हैं जैसा हम एडिशन में सॉल्व कर रहे थे. अब देखिए, सेकंड नंबर में लिखा है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टर्म्स विच आर नॉट सिमिलर कैन ओनली बी इंडिकेटेड, हाउएवर द साइन ऑफ द सब्ट्रहेंड मस्ट बी चेंज्ड. इसमें यह बताया गया कि जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ऐसे टर्म्स का जो सिमिलर नहीं है, उसमें हम साइन तो चेंज कर लेंगे लेकिन उनको एज इट इज इंडिकेट कर देंगे साइन चेंज साइन के साथ. उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो सिमिलर टर्म्स नहीं होते. नाउ वी आर मूविंग फॉर आवर फर्स्ट एग्जांपल. एग्जांपल वन, सब्ट्रैक्ट -7 एबीसी फ्रॉम 2 एबीसी. इसमें हमको 7 एबीसी में से 2 एबीसी में से 7 -7 एबीसी को सब्ट्रैक्ट करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पहले दोनों टर्म्स को कॉलम मेथड में लिख लिया, जिस टर्म्स के पहले फ्रॉम लगा होता है उसको हम पहले लिखते हैं, और फ्रॉम के पहले जो टर्म होता है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसलिए उसको हम नीचे लिखते हैं लोअर टर्म बना के. अब हमने यहाँ लिख लिया +2 एबीसी, उसके नीचे हमने लिख लिया -7 एबीसी, और उसके बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में जैसा यहाँ बताया गया, चेंज द साइन ऑफ द सब्ट्रहेंड, सो वी विल हैव टू मेक चेंज इन द लोअर टर्म्स साइन. इट वॉज नेगेटिव प्रीवियसली, नाउ इट विल बी पॉजिटिव, एंड विद दिस पॉजिटिव साइन दिस 7 एबीसी इज टू बी ऑपरेटेड विद +2 एबीसी. नाउ दिस इज़ ए पॉजिटिव टर्म, अगेन दिस इज़ ए पॉजिटिव टर्म, वी आर गोइंग टू एड 2 पॉजिटिव टर्म्स एंड वी विल गेट द आंसर इन पॉजिटिव टर्म 7 to 9 एबीसी. एज सिंपल एज दैट वी विल हैव टू डू द सेकेंड एग्जाम्पल. एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट -3xy फ्रॉम 0. 0 से सब्ट्रैक्ट करना है -3xy को, तो वी विल हैव टू राइट 0 फर्स्ट, एंड फॉर द लोअर टर्म वी विल राइट हियर -3xy. सो व्हाट विल वी डू नाउ, वी विल हैव टू चेंज द साइन ऑफ द लोअर टर्म, सो दिस नेगेटिव 3xy विल बी चेंज्ड इनटू पॉजिटिव 3xy. सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऑपरेट देम, वी नो दैट 0 मीन्स नथिंग and the sign of the lower term has been changed, so our answer will be 3xy. This is positive. Similarly, we can take example 3. Take away -4a from 5a. So we will have to subtract -4a from 5a. 5a should be written upside because it is our first term, upper term. It is our minuend. And -4a is to be subtracted, so we have to write it at the lower term. Now, as in the rule of subtraction, we will have to change the sign of the lower term, so this -4a will be positive. Now, both the positive terms will be added and we will get 9a. As same, we have to do example 4, subtract 5n from 3m. Now we can see that we will have to write 3m upside and 5n downside as the lower term. As per rule, we will change
the symbol of 5n. It was positive. Now it will be negative. But in this case, we can see that its literal part, the literal part of the upper term is m, and the literal part of the lower term is n. So these two, we cannot say that these two are similar. So we cannot operate them. They will remain same. So 3m we will have to write here, and minus 5n we will have to write after 3m. So the answer will be 3m minus 5n. Now our next topic will be to subtract compound expressions. So for solving the compound expressions problem in subtraction, two methods are given here. The method one is, if the polynomials are so arranged that similar terms are in vertical columns, change the sign of each term of the subtrahend mentally and proceed as in addition. इसमें बताया गया कि अगर वो कॉलम मेथड में हैं जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, तो जो सबट्रहेंड है उसका हम, सबट्रहेंड मीन्स लोअर टर्म, उसका हम साइन चेंज कर दें, सिंबल चेंज कर दें, और जैसे हम प्रोसीड करते हैं एडिशन में सेम वैसे ही हम प्रोसीड कर सकते हैं. मेथड टू बताया गया, अदरवाइज प्लेस द सबट्रहेंड अंडर द मिन्यूएंड सो दैट सिमिलर टर्म्स आर इन वर्टिकल कॉलम्स एंड प्रोसीड एज इन रूल वन. इसमें बताया गया कि अगर वो कॉलम मेथड में नहीं लिखा है तो हम सिमिलर टर्म्स को कॉलम मेथड में बना दें, वर्टिकली उसको लिख दें, और उसके बाद जैसा रूल वन में आया वैसा ही इसको प्रोसीड कर दें. नाउ वी आर गोइंग टू मूव एग्जांपल 5, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट 2x प्लस 3y फ्रॉम 3x प्लस 7y. आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें हमें 3x प्लस 7y को सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y से. हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत आराम से. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 2x प्लस 3y को फ्रॉम 3x प्लस 7y. तो 3x प्लस 7y से सब्ट्रैक्ट करना है. दैट मींस दिस नंबर 3x प्लस 7y इज द मिन्यूएंड. ये दिस इज रिटन मिन्यूएंड, तो ये हमारा मिन्यूएंड हुआ. इसको हम ऊपर साइड पर लिखेंगे कॉलम मेथड के लिए. उसके बाद हमको जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो है 2x प्लस 3y. ये हमारा सब्ट्रहेंड हुआ. इसमें से हम 2x को 3x के जस्ट नीचे लिखेंगे और 3y को 7y के जस्ट बिलो लिखेंगे. उसके बाद हम जो कि लोअर टर्म्स हैं, इसमें टू टर्म्स हैं, ये एक बाइनोमियल है, तो हम लोअर टर्म्स में सिंबल चेंज करेंगे. 2x पहले पॉजिटिव था, दैट विल बी नेगेटिव. 3x पहले पॉजिटिव था, दैट विल बी नेगेटिव. अब इसको हम लोअर टर्म को नेगेटिव और अपर टर्म को पॉजिटिव मानते हुए ही यहाँ पर आगे प्रोसीड करेंगे. 3x माइनस 2x देन वी विल गेट x, एंड प्लस 7y माइनस 3y वी विल गेट प्लस 4y. द बॉक्स इज डन हियर. थिंक 3x माइनस 2x दैट गिव्स x, एंड 7y माइनस 3y गिव्स 4y. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. This is example 6, where we have to subtract 5a minus 3b from 2a plus b minus 2. और इसमें 3 दिए गए हैं. आप क्वेश्चन देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूँ, इससे आपको ज़्यादा क्लियरेंस हो जाएगा. क्योंकि इसमें जो हमारा मिन्यूएंड है जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 2a प्लस b माइनस 2, और जो हमारा सब्ट्रहेंड है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज़ 5a माइनस 3b. So, in the first solution, we have written here minuend first, 2a plus b minus 2. It is written first, and just below, we will have to write the similar terms of the subtrahend. So, 5a is written just below 2a, and minus 3b is written just below b. आप देख सकते हैं 2 के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि 2 का कोई भी similar term हमारे पास available नहीं है. Now, what we will have to do? अब ये जो हमारे चेंज्ड सिंबल्स हैं, 5a पहले पॉजिटिव था, नाउ इट इज़ नेगेटिव, माइनस 3b पहले नेगेटिव था, दैट विल बी पॉजिटिव. अब चेंज्ड सिंबल के साथ ही हमें सिमिलर टर्म्स को ऑपरेट करना है. तो 2a माइनस 5a जब इसको ऑपरेट करेंगे, वी विल गेट माइनस 3a. प्लस b प्लस 3b व्हेन वी विल ऑपरेट दीज टू, वी विल गेट प्लस 4b. माइनस 2, देयर इज़ नो टर्म below it to operate, so it remains same. Minus 2
इज एज माइनस टू. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. उसी तरीके से हम ये थर्ड वाला सॉल्यूशन भी देख सकते हैं. इसमें जो हमारा सबट्रेहेंड है उसमें एक टर्म है हमारा प्लस फोर डी, इसका कोई सिमिलर टर्म हमें अवेलेबल नहीं है तो इसको चेंज्ड सिंबल के साथ एज इट इज़ रख दिया गया. यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस सी, ये हमारा मेन्यू एंड में है, इसका कोई भी सिमिलर टर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने इसको एज इट इज़ रख दिया है. उसके बाद ये टर्म ऑपरेट हो गया है चेंज सिंबल के हिसाब से, ये टर्म भी ऑपरेट हो गया है चेंज सिंबल के हिसाब से, तो हमको ये मिल गया. उसी तरीके से आपका एग्जांपल 7 है, आप इसको देख सकते हैं. वैसे मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं कि आप कैसे करेंगे इसको सॉल्व. इसके बाद भी अगर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क दैट. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमको करनी है वो है एक्सरसाइज 6C. इसमें बेसिकली आप समझ गए होंगे कि सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं और इसमें आपको 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं 6C में. ये पूरे के पूरे 12 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क अस. सो चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय.